अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ MGT 611 के लेक्चर नंबर 19 में। आज के लेक्चर का मेन टाइटल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड इंडेमनिटी। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें नंबर वन पे होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और फोर्थ टॉपिक हमारा होगा एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और लास्ट हमारा टॉपिक होगा काइंड्स ऑफ गारंटी। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, जैसा कि हम स्लाइड्स में देख चुके हैं कि लेक्चर नंबर 19 का मेन टाइटल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड इंडेमनिटी। गारंटी एक आम लैंग्वेज में भी हम यूज़ करते हैं कि किसी की जगह पे ज़मानत दे देना, इसको सिंपल से अल्फाज में हम कह सकते हैं। इंडेमनिटी एक नया वर्ड सुनने में आया, हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स से फेमिलियर हों और बहुत से स्टूडेंट्स से फेमिलियर ना हो। तो जो स्टूडेंट्स से फेमिलियर नहीं है उनके लिए मैंने यहाँ पे हिंट बना के रखा है, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज। इनको सिंपल से वर्ड्स में ये कह सकते हैं, जब एक बंदे का नुकसान हो जाए तो उसका लॉस और डैमेज कौन भरेगा, या एक नुकसान की जो भरपाई है उसको हम इंडेमनिटी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है या एक वादा होता है कि लाइबिलिटी जो है वो एक थर्ड पर्सन अदा कर देगा अगर जो मेन पर्सन जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। इसको और इजी तरीके से समझते हैं कि जैसे मैं और आप एक कॉन्ट्रैक्ट में हैं, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि भाई मैं आपसे 1,00,000 रुपये उधार लेता हूँ, और खुदा ना आपने बोला कि भाई गारंटी कौन देगा आपकी, क्योंकि मैं तो आपको नहीं जानता, आप पैसे लेके भाग गए तो आपका ज़मानतदार कौन होगा, आपकी गारंटी कौन देगा। तो हम मैंने बोल दिया मैं ए हूँ, आप पर्सन बी हैं, तो मैंने बोल दिया कि ये सी पर्सन है, ये जो है मेरी गारंटी ले लेगा, इन केस अगर मैं डिफ़ॉल्ट कर जाता हूँ तो जो सी पर्सन होगा वो आपके पैसे अदा कर देगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहलाता है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं, किस तरीके से ये परफॉर्म होता है, वो सारी डिटेल जो है इस लेक्चर में हम देखेंगे। द पर्सन हु गिव द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी। जो बंदा गारंटी देता है वो श्योरिटी कहलाता है, जैसे कि पर्सन सी कहलाएगा जो सिचुएशन हमने डिस्कस की। द पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ द हुज डिफॉल्ट गारंटी इज गिवन कॉल द प्रिंसिपल डेप्टर, यानी कि मैं जो होऊंगा वो प्रिंसिपल डेप्टर कहलाऊंगा, एंड द पर्सन द होम द गारंटी इज गिवन इज कॉल द क्रेडिटर। तो आप जो है कि पैसे दे रहे हैं आप क्रेडिटर कहलाएंगे। अ गारंटी में भी इधर ओरल और रिटर्न। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, ये ओरली भी हो सकती है जैसे आपकी और मेरी ज़ुबानी कलामी बात हो गई, ये भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप जो है वो सेटिस्फाइड हो सकते हैं। अगर आप ओरली सेटिस्फाइड हैं वेल एंड गुड, अगर आप रिटर्नली सेटिस्फाइड हैं तो वो भी वेल एंड गुड है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट गारंटी, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, आप लोन लेने के लिए कर सकते हैं, क्रेडिट परचेज उधार कोई चीज़ खरीदने ऊपर कर सकते हैं, या तो फिर आप काम हासिल कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट ले रहे हो तो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये तीनों चीज़ें जो हैं वो डिफ़ाइन की गई हैं। अगर आप लोन लेने की कर लें, मिस्टर असलम जो हैं वो उन्होंने 1,000,000 का लोन लिया है एक्स वाई जी बैंक से, तो बैंक ने जो है उनको बोला है कि भाई आपकी गारंटी कौन देगा, तो मिस्टर असलम रिक्वेस्टेड मिस्टर अकरम से, उन्होंने कहा है कि आप जो है वो मेरी गारंटी दे दें एक्स वाई जी बैंक को, और मिस्टर अकरम ने जो है वो गारंटी दे दी है। अगर अब मिस्टर असलम जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो मिस्टर अकरम जो है वो लाइबल होंगे पैसे देने की, क्योंकि उन्होंने मिस्टर असलम की जो है वो गारंटी दी है। जो एग्जाम्पल हमने ऊपर में शुरू में देखी थी वही सेम एग्जाम्पल यहाँ पर है। क्रेडिट परचेस में क्या होगा, एक्यू ब्रदर मेक क्रेडिट सप्लाई टू हिल्टन एंटरप्राइजेज, अंडर द एग्रीमेंट हिल्टन एंटरप्राइजेज फर्निश गारंटी ऑफ मिस्टर सुहेल, मिस्टर सुहेल शेल बी लाइबल टू मेक पेमेंट टू एम एस ए क्यू ब्रदर्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ हिल्टन प्राइजेस। यानी कि अगर एक कंपनी है वो क्रेडिट परचेज पे कोई चीज़ें खरीद रही है तो उसने गारंटी किसकी थी, मिस्टर सुहेल की। इन केस अगर हिल्टन एंटरप्राइजेज जो है वो डिफॉल्ट कर जाती है तो कौन पैसे देगा, सिंपल सी बात है मिस्टर सुहेल साहब देंगे। यहाँ पर टू गेट एम्प्लॉयमेंट एम एस एक्स वाई जेड बैंक हायर द सर्विसेज ऑफ मिस्टर सलमान एज कैशियर, आस्क हिम टू फर्निश अ गारंटी टू द एम्प्लॉयर ₹1,00,000। यानी कि मिस्टर सलमान जो है उनको कैशियर की नौकरी मिल गई है एक्स वाई जेड बैंक पे, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई 1,00,000 रुपये की हमें गारंटी चाहिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो 1,00,000 रुपये उन्होंने खुद जमा करा दी, या तो उन्होंने किसी के थ्रू 1,00,000 रुपये जमा करवाए, लेकिन सेकेंड सिचुएशन जो है वो फुल एंड फाइनल होगी कि किसी के थ्रू वो किसी की गारंटी दें और वो गारंटी में 1,00,000 रुपये जमा करवा दें, ठीक है। और उसके बाद अगर वो नुकसान करते हैं मिस्टर सलमान तो कौन लायबल होगा, वो बंदा जिसने गारंटी दी होगी। ये हम समझ गए हैं कि श्योरिटी कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है, प्रिंसिपल डेप्टर कौन होता है। प्राइमरी नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में जो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर है वो कौन कौन सी हो सकती है। एक तो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और दूसरे सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। देर इज़ अ प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेप्टर एंड क्रिएटर, प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर के दरमियान जो होगा वो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर
एंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेप्टर, यानी कि ये जो होगा श्योरिटी से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, कंसिडरेशन, नो मिसरिप्रेजेंटेशन, राइटिंग नॉट नेसेसरी, यानी कि इसमें कंसिडरेशन जो है वो होनी चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन कोई नहीं होनी चाहिए, और राइटिंग जो है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी इसके अंदर नहीं है। ये खसूसियात हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की। अब यहाँ पे देखिए, राइटिंग को लेके हमने पिछले लेक्चर्स में हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे होते थे कि नहीं भाई रिटर्न में होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। यहाँ अगर रिटर्न में नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, एमएस एडवाइजिंग बैंक हायर सर्विसेज, तो वही मिस्टर सलमान की दी गई है कि उनकी जो है वो किसी ने, मिस्टर असद ने जो है वो 1,00,000 रुपए में उनकी ज़मानत दे दी है। अब अगर कोई गलती मिस्टर सलमान करते हैं या पैसे लेके भाग जाते हैं तो मिस्टर असद क्योंकि उनकी गारंटी है तो वो उसकी भरपाई करेंगे। गारंटी में भी इन द फॉलोइंग फॉर्म ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। तो यहाँ तक बहुत सिंपल सी चीज़ें थी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटी, बाय द वर्ड लायबिलिटी इन दिस सेक्शन इज इंटेंडेड अ लायबिलिटी विच इज़ इन्फोर्सिबल इन लॉ। लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब यह है, यहाँ पे जो लायबिलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है उसका सिंपल मतलब यह है कि ये इन्फोर्सेबल होनी चाहिए लॉ के मुताबिक। ऐसी लायबिलिटी होनी चाहिए जो कि इन्फोर्सेबल हो सके कानून के मुताबिक, कानून जो है वो उस पर अमल दरामद करवा सके, कोई भी इल्लीगल या ऐसी मीन्स नहीं होनी चाहिए। एंड इफ़ द लायबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर लायबिलिटी जिसका एग्जिस्ट ही नहीं करती, देर कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं होगा। अश्योरिटी देयरफॉर इज़ नॉट लायबल ऑन अ गारंटी फॉर द पेमेंट ऑफ द डेब्ट विच इज़ बेड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन। और यहाँ पर जो श्योरिटी होगा वो, जबकि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ ही नहीं क्योंकि कोई लायबिलिटी है ही नहीं, तो उसमें क्या होगा कि कोई भी कानून जो है वो उस चीज़ पे अमल नहीं करवा सकता कि भाई वो डेब्ट को जो है वो गारंटी वाला बंदा वापस कर दे या इस तरीके से करे, क्योंकि कोई लायबिलिटी यहाँ पर है ही नहीं। उसके बाद दिया गया है पाकिस्तान पेनल कोड XLV ऑफ 1860, इसके सेक्शन की बात हो रही है 30 एंड 405। अब 30 एंड 405 क्या देखता है, मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए यहाँ पे स्टिकी नोट्स लगाया हुआ है। अगर ये हाइलाइटेड हैंडआउट्स आपको चाहिए तो ईमेल के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है और फेसबुक पेज का लिंक भी मौजूद है। जो मेथड आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे दिया गया इन पर सिंपल टर्म अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 एंड 45 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, इफ़ समवन गारंटी अ वैल्यूएबल आइटम ऑफ प्रॉपर्टी एंड इन्वॉल्व इन अ क्रिमिनल एक्ट दे कैन बी लायबल। द इम्पोर्टेंट फैक्टर हेयर इज द वे ट्रांसफर ऑफ द आइटम प्रॉपर्टी इज डन, वी शुड नॉट बी वायलेट लीगल कॉन्ट्रैक्ट वेदर इज रिटन और इम्प्लाइड। अब यहाँ पर देखिए, ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीनल कोड जो है उसका सेक्शन 30 और 405 ये कहता है कि अगर कोई गारंटी देता है कि मैं वैल्यूएबल आइटम या प्रॉपर्टी को जो है वो आपके हक़ में उसकी गारंटी देता है, तो अगर वो उस गारंटी को तोड़ता है और अगर वो उसको लायबिलिटी नहीं कर पाता तो ये क्रिमिनल एक्ट होगा। अब इसके लिए जो है वो रिटर्न भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड क्या है इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है, उससे आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। एक मिसाल ले लेते हैं कि जॉन ने गारंटी दी थी कि वो अपनी कार जो है अपने फ्रेंड माइक को जो है वो एक दिन के लिए दे देगा, बट दे हैव अ कॉन्ट्रैक्ट दैट स्टेट दैट कार मस्ट बी रिटर्न बाय अ स्पेसिफिक टाइम। लेकिन उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि कार जो है वो अगले दिन वापस कर दी जाएगी। माइक डेस्परेटली कीप द कार फॉर एक्सटेंडेड पीरियड विदाउट जॉन परमिशन। इन दिस सिचुएशन माइक सेक्शन ऑफ वायलेटिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड रॉन्गफुली कीपिंग द कार में लीड टू क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर सेक्शन 30 एंड 405 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड। तो अब यहाँ पर जॉन ने गाड़ी दी थी एक दिन के लिए, लेकिन माइक ने जो है वो गाड़ी एक दिन से ज़्यादा रख ली, तो यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन नंबर 30 और सेक्शन नंबर 405 जो है वो लायबल हो जाता है माइक के ऊपर, क्योंकि उसने स्पेसिफिक टाइम को इंक्रीज़ कर दिया और उससे ज़्यादा जो है वो गाड़ी अपने पास रखी, तो जॉन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अब ऐसा प्रॉपर्टी के केस में भी हो सकता है और दूसरी चीज़ों में भी हो सकता है। डीड ऑफ गारंटी एग्जीक्यूटेड जॉइंटली, लेटर ऑफ गारंटी इंडिकेटेड दैट डिफेंडेंट हैड जॉइंटली एंड सेवरली गारंटी ड्यू रिपेमेंट ऑफ लोन एंड मनी ड्यू फॉर्म बोरोवर डिफेंडेंट एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट एंड चार्जेस, गारंटी बीइंग ऑलवेज बाय थर्ड पर्सन नॉट बाय द बोरोवर हिमसेल्फ। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लें कि गारंटी जो है मैं अपनी गारंटी खुद ब खुद नहीं दे सकता। जैसे मैंने आपसे पैसे लिए, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि भाई मैं अपनी मेरी गारंटी है ये काफ़ी है, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर बहुत सारे लोग जो है वो मिलके लोन लेते हैं जॉइंटली और उसकी पेमेंट जो है वो उनको करनी होगी और वो लाजमी करेंगे, ऐसा नहीं होगा, और इंटरेस्ट और चार्जेस और जितनी चीज़ें होंगी उन सब के साथ जो है वो डिफेंडेंट, यानी कि बहुत सारे लोग अगर लोन ले रहे हैं और बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ लोग गारंटी में हैं तो वो मुख्तलिफ लोग जो है वो उनकी पेमेंट करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जॉइंटली गारंटी ली जा रही है और या जॉइंटली लोन लिया जा रहा है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। लेटर ऑफ गारंटी पर जितने लोग डिफेंडेंट होंगे और जॉइंटली गारंटी देंगे तो वो सारे ड्यू पेमेंट करेंगे
करेंगे लोन की, ठीक है। गारंटी जो है वो हमेशा थर्ड पर्सन से ली जाएगी और जो बंदा होगा वो खुद अपनी गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। ये लॉ के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के मुताबिक ये चीज़ ज़रूरी है कि गारंटी जो है विल ऑलवेज बी अ थर्ड पर्सन, नॉट द बोरोवर हिमसेल्फ। गारंटी हमेशा थर्ड पर्सन लेगा, वो बंदा खुद से नहीं लेगा। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के अंदर आ सकता है, तो ये काइंडली आप ज़रूर इसको ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैंने बार बार आपको ये बताया है। अब बात करते हैं श्योरिटी की। श्योरिटी क्या होता है, ये देखें स्टिकी नोट्स मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, इससे मैं आपको बता देता हूँ। देखें मैंने ये खुद नोट्स लिखकर बनाया है यहाँ पर इजीली, क्योंकि ये जो वर्ड दिए हुए हैं ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लॉ की बुक है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हो सकता है उससे उठा के डायरेक्टली इन्होंने दे दिया, और लॉ की जो डेफिनेशन हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जब एक स्टूडेंट इसको पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो मैंने इसको समझ कर अपने उस पर स्टडी करके ईजी सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर लिखा हुआ है। एक तो आप लेक्चर सुन लेंगे वैसे ही आपकी तैयारी हो जाएगी, इनकेस अगर आप ये नोट्स ले लेते हैं तो आप सिर्फ इस पर आके क्लिक करेंगे और ये डेफिनेशन आपको खुल जाएगी, ठीक है। तो ये श्योरिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है और क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में डिफाइन किया। अब आप जो देख लें, श्योरिटी इन्वॉल्व अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन द श्योरिटी गारंटी द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन बाय अनदर पर्सन द प्रिंसिपल डेप्टर टू अ क्रेडिटर। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द लाइबिलिटीज ऑफ श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेप्टर आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर एज पर लीगल प्रिंसिपल। इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक मिसाल ले लें कि एक लड़की है सारा, उसने जो है वो लोन लिया है, उसने बैंक से लोन लिया है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बैंक ने बोला कि भैया आप मुझे किसी की श्योरिटी दें कि लोन कौन देगा, तो सारा का कोई दोस्त है एलेक्स, उसने बोला हाँ ठीक है मैं श्योरिटी दे दूंगा। अब इनके एग्रीमेंट के मुताबिक अगर सारा फेल हो जाती है लोन वापसी करने में तो एलेक्स लायबल होगा लोन देने के लिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता रहे हैं, इफ़ सारा इज अनेबल टू रीपे द लोन द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी एलेक्स अराइज़ेस इमीडिएटली, द बैंक डजंट हैव टू फर्स्ट एग्जीक्यूट इट रेमेडीड अगेंस्ट सारा और वेट हर टू लोन टू डिफेल द कंप्लीट बिकॉल टेकिंग एक्शन अगेंस्ट एलेक्स। अब यहाँ पे एक बात बोल रहे हैं श्योरिटी के अंदर, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें यह है कि अगर सारा ने लोन लिया और एलेक्स ने उसको श्योरिटी दे दी, अब जो है वो सारा लोन नहीं अदा कर पा रही, एक महीने दो महीने नहीं अदा पा रही, तो बैंक सारा के खिलाफ तो एक्शन करेगा, लेकिन वो एलेक्स को फौरन बोल देगा कि भाई आप जो है वो लोन की जो है वो पेमेंट करना अदा शुरू कर दें, क्योंकि सारा जो है वो लोन नहीं दे रही। अब सारा और एलेक्स का मसला है कि वो किस तरीके से करते हैं, लेकिन एलेक्स को जो है वो डायरेक्टली लोन देना पड़ेगा। बैंक ये नहीं करेगा कि सारा के ऊपर केस करेगा, वो केस चलेगा फिर जाके बैंक को पैसे मिलेंगे, बैंक डायरेक्टली जो है वो एलेक्स को अप्रोच कर लेगा और एलेक्स को पैसे देना पड़ेंगे। और अगर इन केस बैंक अगर केस की तरफ जाता है और अगर एलेक्स पैसे नहीं देता तो दोनों के खिलाफ केस जो है वो हो जाएगा। रेमेडी अगेंस्ट गारंटर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्टेड एज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन लायबिलिटी ऑफ गारंटर एज ए क्वेश्चन हेल्ड डिपेंड ऑन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गारंटी बाय विच गारंटर बाउंड हिमसेल्फ फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन एडवांस टू प्रिंसिपल बोरोअर। कॉन्ट्रैक्ट गारंटी जो है वो स्ट्रिक्टली उसी टाइम पर स्टार्ट हो जाता है जब जो है गारंटर जो है जो जिसकी गारंटी उसने दी है वो जो है वो पैसे नहीं भर पाता है। जैसे पिछली एग्जांपल हमने देखा था सारा और एलेक्स की, सारा ने जो है वो तीन महीने लोन की जो है वो किस्तें दी लेकिन चौथे महीने वो नहीं दे पाई, तो उससे क्या होगा कि गारंटर की लेबिलिटी जो है वो उसी टाइम शुरू हो जाएगी और गारंटर को उसी टाइम बैंक अप्रोच कर लेगा कि भाई आप जो है वो पैसे देना शुरू कर दें, ना कि वो पहले सारा पे केस करेगा और सारी चीज़ें करेगा, इस तरीके का प्रोसेस नहीं चलेगा, बल्कि डायरेक्टली जो है वो एलेक्स लायबल हो जाएगा। नो प्रिंसिपल डेप्टर इन एक्सिस्टेंस लोन गारंटी टू फिक्शनल पर्सन गारंटर कैन नॉट बी सूट फॉर द रिकवरी ऑफ डेट। अब एक मिसाल ले लें कि प्रिंसिपल डेप्टर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता और लोन जो है वो एक फिक्शियस पर्सन को दे दिया गया है। फिक्शियस पर्सन से मुराद जो है एक फर्जी बंदे को लोन दे दिया गया है और गारंटर को जो है वो उसके ऊपर कहा गया है कि भाई आप जो है वो रिकवरी गारंटर से की जा रही है, तो ऐसा नहीं होगा। एक असली बंदा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई फर्जी करदार होना चाहिए और फर्जी गारंटर बना लिया जाए और ये केस इस तरीके से पेश किया जाए कि भाई फलाने बंदे ने पैसे लिए थे वो भी पेश नहीं कर रहा और एक गारंटर जो है वो भी पैसे नहीं दे रहा, तो पैसे जो है वो अब डूब गए हैं, बैड डेब्ट हो गए, तो इस तरीके से नहीं होता। ये बोल रहे हैं कि जो बंदा जिसको आप लोन दें वो हकीकत में एग्जिस्ट करना चाहिए और गारंटर जो है वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए, वो जिंदा सालिम सही और अकल बूझ वाला इंसान होना चाहिए। तो ये जो है वो इस कानून की रिक्वायरमेंट है। काइंड्स ऑफ गारंटी की बात कर लेते हैं, स्पेसिफिक गारंटी और ऑर्डिनरी गारंटी, यानी कि दो किस्म की गारंटी, स्पेसिफिक गारंटी हो सकती है और कंटिन्यूस गारंटी हो सकती है। स्पेसिफिक गारंटी को हम ऑर्डिनरी गारंटी भी कहते हैं। दिस गारंटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन ऑन एंगेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल अवेलिंग लोन फ्रॉम अ बैंक। यानी कि ये गारंटी जो है वो एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन या एंगेजमेंट के तौर पर इस्तेमाल में आती है। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं कि आप बैंक से एक लोन ले लें। उसके बाद कंटिन्यूइंग गारंटी कौन सी है, सच गारंटी ओवर कवर अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन होती है, जैसे घर का किराया होता है, आप इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं,
फॉर एग्जाम्पल गारंटर फर्निश टू अ सप्लायर फॉर मेकिंग सप्लाइज टू अ पर्टिकुलर पर्सन बिजनी ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड ईयर से वन ईयर। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई एक क्लाइंट है, उसने जो है वो ये किया है कि मैं आपको जो है वो प्रोडक्ट सप्लाई करूँगा पूरे एक साल तक, ठीक है। अब बिजनेस जो है वो कितने दिन का हो गया, ये कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन कब तक होती रहेंगी, पूरे एक साल तक यानी कि 12 महीने तक होते रहेंगे। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल दे रहे हैं, ए इन कंसिडरेशन दैट बी विल एम्प्लॉय सी इन कलेक्टिंग ऑफ द रेंट ऑफ बी जिम्मेदारी, यानी कि ए जो है वो कंसिडरेशन में है कि वो सी को जो है वो सी से रेंट लेगा, लेकिन इसके जो जिम्मेदार है जो गारंटर होगा वो बी होगा। प्रोमिसज बी टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द अमाउंट ऑफ 5,000 rupees फॉर द ड्यू कलेक्शन एंड पेमेंट बाय सी ऑफ दोज रेंट, दिस इज अ कंटिन्यूस गारंटी। अब सी जो है वो वादा कर लेता है कि हाँ ठीक है भाई, बी जो है वो आपको, सी जो है वो आपको रेंट देता रहेगा, किसको, ए को। अब जो है वो 5,000 rupees रेंट है, अब वो पूरे एक साल तक जाएगा यानी कि 12 महीने तक जाएगा, तो इस टाइप का जो गारंटी होगी वो कंटिन्यूस गारंटी होगी जिसमें सीरीज ऑफ पेमेंट इन्वॉल्व हो। उसके बाद देख लेते हैं री वोकेशन ऑफ कंटिन्यूस गारंटी। अ कंटिन्यूस गारंटी मे बी एनी टाइम रिवोक बाय द श्योरिटी सो एज़ टू फ्यूचर जनरेशन बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। अब यहाँ पे ये बात हो रही है, देखें एक बंदे ने गारंटी दे दी, ठीक है, मैंने आपकी एक साल के लिए गारंटी दे दी। एक साल तो बहुत छोटा पीरियड है, जैसे हम पीछे एग्जांपल देकर आए, एक मिसाल ले लें कि आप 5 साल तक की गारंटी है, ठीक है। अब 5 साल तक की गारंटी में जिस बंदे की मैंने गारंटी दी, अब मैं देख रहा हूँ, उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि भाई उसका बिजनेस डूब रहा है, उसके साथ और मसले मसाइल हो रहे हैं, तो मैं उस गारंटी से पीछे हटना चाहता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि ए ने जो है वो, जैसे हम पिछली एग्जाम्पल को यहाँ पर ले लेते हैं कि ए ने जो है वो बी को जिम्मेदार कर दिया कि भाई सी जो है वो मुझे रेंट देगा, और बी ने जो है वो सी की गारंटी ले ली कि हाँ भाई ठीक है वो देता रहेगा। अब बी क्या हुआ कि 3 महीने तक तो ये गारंटी चली, लेकिन ए ने जो है वो दूसरे महीने में आके गारंटी जो है वो तीसरे महीने में आके ख़त्म कर दी, और अभी तीसरे महीने का रेंट जो है वो बी ने नहीं दिया था। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये गारंटी ख़त्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सारी चीज़ें हो गई, बी को भी ए को भी पता चल गया कि हाँ ठीक है भाई अब बी जो है वो बीच में गारंटर नहीं रहा, अब अगर सी पेमेंट नहीं करता, ठीक है, तो वो 2 महीने की पेमेंट तो कर चुका है, तीसरे महीने में जब ये गारंटी ख़त्म हो रही है तो 1 महीने की पेमेंट ड्यू है। अब एक मिसाल ले लें कि किराया जो है वो 2,000 rupees का है, तो अब जो है वो सी ने सिर्फ और सिर्फ अगर बी डिफॉल्ट करता है तो 2,000 rupees देने हैं, ना कि वो कंटिन्यू पैसे नहीं देने। तो इस तरीके से क्या होगा कि कंटिन्यूस गारंटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हाइलाइटेड हैंडआउट्स आप कैसे ले सकते हैं मैंने आपको बता दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखें और आप इजीली ये हैंडआउट मुझसे ले लें। इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हमारा मकसद यही है कि स्टूडेंट की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक दुआओं में याद रखें।